न्यूजीलैंड में संपन्न हुए राष्ट्रीय चुनावों में लेबर पार्टी ने बहुमत हासिल की है और इसमें हिमाचल के जिला हमीरपुर के छोटे से गांव लोअर हडेटा के निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा ने जीत दर्ज कर देश का नाम रोशन किया है। न्यूजीलैंड में घोषित हुए चुनाव परिणामों में डॉक्टर गौरव शर्मा ने हैमिल्टन बेस्ट सीट से लेबर पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की। डॉक्टर गौरव शर्मा को 15,873 मत प्राप्त हुए, जबकि इनके प्रतिद्वंदी नेशनल पार्टी के नेता टीम को 11,487 वोट मिले। डॉक्टर गौरव शर्मा की जीत को लेकर उनके पैतृक गांव लोअर हडेटा में खुशी का माहौल है। उनके चाचा ललित शर्मा और ग्रामीणों द्वारा मिठाई बांटी जा रही है और ग्रामीणों द्वारा डांस भी किया जा रहा है। डॉक्टर गौरव शर्मा अपने परिवार सहित कई साल पहले न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए हैं। उनके पिता हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में सेवाएं दे चुके हैं। वहीं डॉक्टर गौरव शर्मा के चाचा ललित शर्मा ने बताया कि गौरव शर्मा की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में हुई है। शुरू से ही गौरव शर्मा पढ़ाई लिखाई में होनहार रहे हैं, लेकिन अब विदेश की राजनीति में जीत हासिल कर इतिहास रचा है। गौरव शर्मा की जीत पर उन्हें नाज है। वो संसद चुनेंगे जी, अच्छा लगा। मेरा वो भतीजा है गौरव शर्मा, तो एक छोटी सी उम्र, नियर अबाउट 33 साल उम्र है जी उनकी। बहुत एक खुशी की लहर है कि छोटी सी उम्र में ही उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। हमें भी अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। और बाकी ठीक है जी, हमारे गांव के लिए, हमारे घर के लिए। देखो अब इतनी छोटी उम्र में एक इंडिया का आदमी वहां चुना गया, बहुत गौरव की बात है। बहुत अच्छा थे, पिकअप बहुत था उनका। छोटी उम्र में ही उन्होंने कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ कर लिया था, तो हमें लगता था कि ये कुछ करेगा, लेकिन इतना नहीं था। इतना सोचते थे हम कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि डॉक्टर के साथ साथ वो पॉलिटिशियन के, पॉलिटिक्स में भी आएगा। हिमाचल में हुई है, पहले अपने ऊपर किन्नौर में, फिर शिमला में, फिर अपने डीएवी स्कूल हमीरपुर धर्मशाला में, तो यहाँ उनकी स्कूलिंग है, फिर वो न्यूजीलैंड चलेगा। वहीं डॉक्टर गौरव शर्मा की चाची बनीता ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि गौरव बहुत मिलनसार बच्चा है और हमेशा से दूसरों के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़कर काम करता है। उन्होंने बताया कि गौरव परिवार के साथ समय समय पर गाँव में आकर समारोह में भाग लेता रहता है। बहुत खुशी की, बहुत ही खुश है हम। हाँ जी, किससे तो बहुत है। वैसे वो छोटा सा था तो यहाँ आया था हमारे पास, मतलब आते रहते हैं, पर फिर भी हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही उसके साथ, मतलब कि ऐसा नहीं लगता था कि वो, मतलब कि उनका ऐसे लगता था वो भी हमारे बच्चे हैं। तो आप वो सांसद बने, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा जी, बहुत ही खुशी है हमें। हमें क्या, गाँव में सभी जगह सब भी खुश है। तो शुरू से क्या वो पढ़ाई लिखाई में, क्या उनका सपना था इस तरह के राजनीति में जाना? क्या पहले तो नहीं था जी, पहले तो उनका मतलब कि पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत लायक बच्चा था, और इसका मतलब इंटरेस्ट जो था वो अब न्यूजीलैंड में जाने के बाद ही पढ़ा इसमें, राजनीति में आने का। वहीं पंचायत के प्रधान संजय शर्मा ने कहा कि गौरव के सांसद चुने जाने से देश व विदेश में उनकी पंचायत को नई पहचान प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि गौरव के इस मुकाम से हर गांववासी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बड़े हर्ष की बात है, डॉक्टर गौरव शर्मा जो हडेटा पंचायत के तहत लोहड़ेटा गांव है, वहां से स्थायी निवासी हैं और न्यूजीलैंड की बेस्ट हैमिल्टन सीट से वो सांसद चुने गए हैं। ये मेरी पंचायत के लिए बहुत ही फख्र की बात है। इस पंचायत के साथ मैं इसको गलोड क्षेत्र का भी मान बोलना चाहूँगा, इसके साथ हिमाचल प्रदेश हमीरपुर, इन सभी का ही गौरव की बात, ये पूरे देश का माना। ऐसे जैसे नौजवान ये किसी एक गांव विशेष, पंचायत विशेष ना होकर एक पूरे देश की धरोहर है, तो मैं ऐसे नौजवान व्यक्ति को सलाम करता हूँ कि उन्होंने बाहर जाके भी अपनी सेवा भावना जाहिर की और लोगों को विश्वास दिलाया कि वो चीज़ें कर सकते हैं। इस सारे उनकी इस उपलब्धि से मेरी पंचायत गलोड़ क्षेत्र हमीरपुर जिला और पूरा प्रदेश उनको गौरवान्वित। मेरी आज अभी उनके पिताजी से, श्री गिरधर शर्मा जी से भी बात हुई, उनको भी मैंने बधाइयाँ दी हैं, और मैं इनकी सारी जीत का श्रेय उनके मेहनत और उनके जो दादाजी हैं श्री बिलवर शर्मा जी, उनको देना चाहूँगा, क्योंकि उनके अंदर जो सेवा भाव की जो मैंने भावना देखी है वो कहीं ना कहीं हमें भी प्रोत्साहित करते रहे, और आगे उनके जो पौत्र हैं उन्होंने भी उनके उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आज हमारी पंचायत का नाम
रोशन किया जी। धन्यवाद। जय। वहीं ग्रामीण अनिल वर्मा ने कहा कि गौरव ने अपने दादा व पिता की पहचान को रोशन किया है और देश का नाम विदेशों में भी रोशन किया है। के सबूत, ये सबूत सिर्फ हाडेटा का नहीं है, ये सारे इलाका गलोड के लिए एक बड़े गौरव की बात है, जिला हमीरपुर के लिए गौरव की बात है, तहसील गलोड के लिए गौरव की बात है, हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है, साथ में देश के लिए गौरव की बात है कि इस ग्राम परिवेश से बच्चा उठ के आप देख रहे हैं इनका घर भी पीछे अपने दादा की ईमानदारी और पापा की ईमानदारी, जो खुद एक इंजीनियर हैं और एक वर्किंग इंजीनियर हैं नॉट ओनली इन पेपर्स, उनके आशीर्वाद से बेटे ने जाके इतने दूर विदेश में जाके हिंदुस्तान का झंडा जो है उसका परचम लड़ाया उन्होंने वहाँ, तो ये यकीनन बधाई के पात्र हैं और इनकी खुशी में सिर्फ हाडेटा निवासी नहीं, इलाका गलोड भी, सारे जिला हमीरपुर भी, हिमाचल प्रदेश भी उनको बड़े तहे दिल से बधाई देता है। मुख्यतः सारे हमारे अपना भाई यहाँ के जो विधायक सुखविंदर जी हैं वो भी, उनकी तरफ से भी मैसेज आया है, तो हमारे लोकल प्रधान अपने संजय जी साथ हैं, अपने कपिल जी गालियों के पंचायत, तो जगह जगह के जितने भी चुने हुए लोग हैं, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने इस उपलब्धि को सिर्फ एक उपलब्धि नहीं माना है लेकिन एक अपने देश के लिए विदेश में जाके एक इज्जत मान सम्मान देने वाला बेटा माना है।